वेलकम बैक, आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएस इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, आज मैं आपको बचाने के लिए आया हूं, क्योंकि आप परिचय देते हो, आप अपना परिचय दूसरे से देते हो, तो कभी भी गलत नहीं देना है, हमेशा सही बोलना है। ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, कभी भी आप रॉन्ग स्टेटमेंट ना दें। जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं, हेलो माई सेल्फ धर्मेंद्र, आई एम फ्रॉम बिहार, आई एम परसुइंग माई ग्रेजुएशन, आई एम सो। तो जो भी आप बोलते हो तो गलत का प्रयोग करें, गलत सेंटेंस नहीं बोलना। जैसे हमने जितना बोला वो सब गलत है। हमने बोला माई सेल्फ धर्मेंद्र, माई सेल्फ अमित, माई सेल्फ सुधीर, तो माई सेल्फ जो बोलते हो, माई सेल्फ मीना, माई सेल्फ बीना, माई सेल्फ अमित, माई सेल्फ सुमित, तो माई सेल्फ का प्रयोग अंग्रेजी में कभी नहीं होता। माई सेल्फ कभी भी सब्जेक्ट जैसा नहीं होता। मैं अभी बता दूंगा कि कैसे माई सेल्फ का यूज करते हैं। तो माई सेल्फ आपको कभी नहीं बोलना है, उसके बदले बोले आई एम धर्मेंद्र, माई नेम इज धर्मेंद्र कुमार, आई एम सुमित, आई एम मीना, आई एम बीना। तो जो भी आप बोलना चाहते हो, आप अपना नाम के साथ आई एम का प्रयोग करें। अगर बोलोगे नहीं सर माई सेल्फ बोलना चाहता हूं, तो आप बोले आई माई सेल्फ एम धर्मेंद्र। तो कभी भी माई सेल्फ से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता। इसके बाद आप बोलते हो आई एम परसुइंग माई ग्रेजुएशन, तो आई एम परसुइंग माई ग्रेजुएशन, तो आई एम परसुइंग माई ग्रेजुएशन कभी नहीं होता। ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि परसुइंग वर्ड ही गलत है, क्योंकि लोग परसुइंग का मतलब होता रन आफ्टर, आप ग्रेजुएशन रन आफ्टर नहीं कर रहे हैं, इसलिए परसुइंग का प्रयोग ना करें। पता नहीं आई डोंट नो कहां से परसुइंग वर्ड आया और कहां से माई सेल्फ वर्ड आया। तो कभी भी दो शब्द से बचे, एक माई सेल्फ धर्मेंद्र और एक बचे आई एम परसुइंग माई ग्रेजुएशन। ये दो चीज से आप बचे। अंग्रेजी आप जैसे बोलते हैं ये दो चीज बोलोगे, आपकी बनी इज्जत मिट्टी मिल जाएगी, क्योंकि आप अंग्रेजी भी बोल रहे हो और गलत भी बोल रहे हो। तो क्या बोलना है, आई एम सुधीर, माई नेम इज सुधीर, क्लियर। दूसरा आई एम परसुइंग के बदले क्या बोले, आई एम डूइंग माई ग्रेजुएशन। तीसरी लाइन जो हम लोग बोलते क्या है वो समझिए, आप बोलते आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन लास्ट ईयर, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर हमने किया है ग्रेजुएशन, तो लास्ट ईयर यह भी गलत बोलते हैं। तो आई हैव का प्रयोग वहां नहीं करते, क्योंकि लास्ट ईयर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं किया जाता। तो वहां बोलेंगे हम कि आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन लास्ट ईयर, आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर, आई डिड माई ग्रेजुएशन लास्ट ईयर। अब मैं जितनी बातें कही ये सारी बातें मैं आपको लिख करके बोर्ड पर दिखाता हूं। यहां पर जो बात हमने कहा आपको, तो यहां पर हमने दो शब्द दिया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सेल्फ प्रोनाउन। सेल्फ का मतलब यहां पे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, कुछ भी प्रयोग करो। अगर सेल्फ प्रोनाउन का प्रयोग करना चाहते हो तो सब्जेक्ट के बाद करिए, इसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। नंबर टू, सब्जेक्ट के बाद लगा दिया सेल्फ प्रोनाउन, तो सेल्फ इसे हम लोग इंफेटिक प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंफेटिक प्रोनाउन। जैसे हमने कहा कि ही किल्ड हिमसेल्फ, यानी उसने खुद को मार दिया। ही ये देखो ही है, उसने खुद को किल्ड कर दिया, खुद को मार दिया। तो यहां पे सेल्फ प्रोनाउन का मतलब होता है स्वयं, इसका मतलब होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसे हम रिफ्लेक्ट करता है, वापस लौटता है, रिलौटता है। तो सेल्फ प्रोनाउन क्या कहते हैं हम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दूसरा कहते हैं आई सेल्फ, यानी आई माई सेल्फ एम धर्मेंद्र कुमार। अगर आप किसी से बोलना चाहते हैं आई माई सेल्फ एम धर्मेंद्र, आई माई सेल्फ एम सुधीर, आई माई सेल्फ एम बीना, आई एम, आई माई सेल्फ एम रीना, तो आई का प्रयोग आप सेल्फ प्रोनाउन लगाने का प्रयोग कर सकते हैं, ये सेंटेंस राइट होगा। जैसे हमने बोला कि ही हिमसेल्फ किल्ड द टाइगर, यानी ही हिमसेल्फ किल द टाइगर। तो कभी भी ध्यान देना, उसने खुद टाइगर को मारा है। तो सेल्फ प्रोनाउन ये ध्यान देना बेटा कि सेल्फ प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट जैसा नहीं होता। सेल्फ प्रोनाउन जब भी आता है तो सब्जेक्ट के बाद आता है, ये आपको खास ध्यान रखना है। यानी सेल्फ प्रोनाउन नेवर बी यूज एज अ सब्जेक्ट। इसलिए कभी भी हम लोग माई सेल्फ सुधीर, माई सेल्फ धर्मेंद्र, माई सेल्फ रीना, माई सेल्फ बीना का प्रयोग नहीं करेंगे, इसे बचने का प्रयास करना। कॉन्सेप्ट नंबर टू पे आप आ जाओ, जिसकी बात हमने कहा कि आई एम परसुइंग। परसुइंग एक वर्ड है जिसका मतलब होता है रन आफ्टर। तो कभी भी परसुइंग का प्रयोग कभी भी नहीं कहना चाहिए कि आई एम
परसुइंग ग्रेजुएशन, ये 99% लोग ऐसे ही बोलते हैं। जो अंग्रेजी पढ़ाते हैं वो भी ऐसे ही बोलते हैं, जो सिखाते हैं स्पोकन वो भी ऐसे ही बोलते हैं, आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन, आई एम परसुइंग दिस दैट। तो जो भी प्रयोग करते हैं वो गलत है। आज के बाद उनको टोकिए, उनको रोकिए कि गलत नहीं पढ़ाइए। तो जहां भी गलत कंसेप्ट है उसको आप हटाइए, क्योंकि यूट्यूब पर क्रांति फैलाने के लिए आप आ गए हो, आप काम कर रहे हो, इसलिए जहां गलत हो वहां आवाज उठाना है। इसलिए कभी भी माई सेल्फ से, योर सेल्फ से या सेल्फ प्रोनाउन कोई भी हो, सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, चाहे दुनिया में कोई सेंटेंस हो, कोई अपवाद नहीं होता। इसलिए जब भी बोला जाए आप उसको काटिए, और जहां भी गलत हो उसको आवाज उठाइए आप, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 3, हमने कहा कि सब्जेक्ट प्लस हैज, हैज के साथ हैव लगाया, हैव के साथ भीतरी और अदर वर्ड लगाया, इसके साथ कभी भी हम लोग लास्ट प्लस टाइम का प्रयोग नहीं करते, ये सेंटेंस गलत होता है। यानी हैज अब के साथ वित्री लगाओ तो हम लास्ट का प्रयोग, पास्ट का प्रयोग नहीं करते। इसके साथ आप चाहो तो सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस अदर वर्ड, इसके साथ आप लास्ट प्लस टाइम का प्रयोग आप कर सकते हो, ये आपका राइट होगा। जैसे आपने कहा कि आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन लास्ट ईयर, तो आपने गलत बोल दिया, यह सेंटेंस गलत है, आपको भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि लास्ट का प्रयोग, पास्ट का प्रयोग या जितने भी टाइम, स्टर्डे का प्रयोग, अगो का प्रयोग, इन सारे शब्दों का प्रयोग कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं करते। आज मैं आपको गलती ठीक करने के लिए आया हूं, आपकी इज्जत बचाने के लिए आया हूं, आप अपनी इज्जत बचा लो, और इस 3 बातों पर ध्यान रखें, आपकी इज्जत बची रहेगी, गलती आप नहीं बोलोगे, कोई हंसेगा आप पे नहीं, आप हमेशा मुस्कुराते रहोगे। तो क्या बोलना है, आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन लास्ट ईयर, आई डिड माई ग्रेजुएशन लास्ट ईयर, यही सत्य है, इसको फॉलो करिए। और इसके साथ साथ जैसे भी हो अपने आप को बचाइए, सुधारिए, और सही अंग्रेजी बोलिए, सही बोलने का प्रयास करिए। मैं धर्मेंद्र सर हमेशा आपके लिए हूँ और हमेशा आपके साथ काम करूँगा। इस वीडियो को उन बच्चों तक को दीजिए जो गलती बोलते आ रहे हैं, उनकी मदद करिए, उनकी मदद कर सकता है, और पूरे भारत में इसको फैलाइए, क्योंकि पूरे भारत में एक जड़ जम चुका है। हर लोग माई सेल्फ, जिसको देखो वही माई सेल्फ, जिसे देखो वही परसुइंग, जिसे देखो कंप्लीटेड ग्रेजुएशन आई हैव, तो यहां पे प्रयोग गलती करते आ रहे हैं। ये 3 बातों का ध्यान रखें, आप जैसे बोलते हैं आप सबसे अच्छे बोलते हैं, बोलते रहिए, करते रहिए। मैं धर्मेंद्र सर आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।